प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि नए साल की शुरुआत में हम सब दुनिया के कोने कोने में इकट्ठे हो रहे हैं, एक ऐसा समय है जब कि हम अगले साल में क्या करना चाहते हैं अपने साथ ही हमें सोचना चाहिए। नया साल एक शुरुआत है ताकि इस साल हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए महापुरुषों के वचनों से बेहतर कोई चीज़ है नहीं। हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि दयाल पुरुष सुदर्शन सिंह जी महाराज बहुत कुछ रूहानियत का ख़जाना हम सबके लिए छोड़ गए हैं। अपने अलग अलग लेखों के ज़रिए, अलग अलग शब्दों के ज़रिए वो समझाते चले हैं कि इंसान को ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। जब हम इस धरती पर जी रहे हैं तो हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, किस किस्म की ज़िंदगी जीने के लिए प्रभु ने हमें भेजा है और ये ज़िंदगी किस बुनियाद पर बनी हुई है। हम सब जब ये ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें हमारे लिए बेहतर होती चली जाएं। हर एक इंसान की ही कोशिश होती है कि वो अच्छी तरह से जिए, लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी को जीता है तो उसका ख्याल औरों की तरफ रहता नहीं, वो सिर्फ यही सोचता है कि मुझे इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो वहाँ पर जब भी इस धरती पर आए, वो बार 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 हमें समझाते चले आए हैं कि ये ज़िंदगी हमें प्रेम से जीने के लिए प्रभु ने दी है। प्रभु प्रेम के महासागर हैं। हमारा असली रूप जो आत्मिक है वो उसी महासागर की एक बूंद है, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। ये बार 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 हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, ये बार 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 हमें महापुरुषों के वचनों के ज़रिए जानकारी दी जाती है। उस प्रभु के प्रेम का हम अनुभव कैसे करें? और हम तो इस दुनिया में जब जीते हैं तो हम सोचते हैं अगर कोई चीज़ हम किसी के साथ बांटेंगे तो कम हो जाएगी, लेकिन महापुरुष समझाते हैं, जैसे सुदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया, वो फरमा रहे हैं कि इश्क की कोई नहीं है इंतहा, इश्क का आगाज़ ही आगाज़ है। कि जो प्रेम का रास्ता है ये शुरू होता है लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ये शुरू जब होता है तो फिर दिन ब दिन ये बढ़ता ही जाता है। और हम ये ना सोचें कि अगर हम किसी से प्रेम करेंगे, प्रेम बांटेंगे तो हम में कुछ कमज़ोरी आएगी, हम में ताकत और बढ़ेगी। और जब भी हम उस प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं तो फिर हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है कि ये प्रभु का प्रेम औरों के तक पहुंचना चाहिए। अब प्रभु का प्रेम इंसान अनुभव कैसे करे? पिता परमेश्वर तो हमें लगता है बहुत दूर हैं, हम सोचते हैं कि उन तक पहुंचेंगे कैसे, उनको जाने कैसे, उनको पहचाने कैसे। तो महापुरुष समझाते हैं कि पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं, हमसे दूर नहीं, हमें ध्यान सिर्फ उनकी ओर करना है। प्रभु हमारे अंग संग हैं। जब हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएंगे तो हम पिता परमेश्वर की जानकारी पाने के लायक हो जाएंगे। तो उसे मेडिटेशन कहें, उसे भजन अभ्यास कहें, उसे ध्यान टिकाना कहें,
कि जब हम ध्यान दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करते हैं और यहाँ शिव नेत्र पर अपने आप को इकार करते हैं, जो हमारी सूरत की धारा है जो इंद्रियों के जरिए बाहर की दुनिया में जा रही है, जब उसे अंदर की ओर करते हैं और यहाँ पर जब वो इकट्ठी होती है तो अपने सद्गुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं। अपने अंदर तरह तरह की रोशनियाँ, तरह तरह की ध्वनि को सुनते हैं और जब उसके साथ जुड़ते हैं तो हमारे कदम तेज़ी से प्रभु की जानकारी पाने के लिए बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि उस प्रेम को हमने पाना है, वो समय के साथ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे ही जैसे हम अभ्यास करेंगे तो हमारी तरक्की और होगी और होगी और प्रभु की जानकारी और बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जब भी ऐसे महापुरुष जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज थे ये धरती पर आते हैं तो ये यही चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया है, वो फरमा रहे हैं कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी, कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी, अछूता एक तरीके हुक्मरानी लेके आया हूँ, अछूता एक तरीके हुक्मरानी लेके आया हूँ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस दुनिया का एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि ज़्यादा लोग इस दुनिया में जब आते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं मुझे ये भी मिल जाए, मेरे पास ये प्रॉपर्टी भी हो जाए, धन दौलत भी हो जाए, बाहर की चीज़ें भी हो, और जब और इंसान बहुत मिलता है वो सोचते हैं मैं राजा महाराजा बन जाऊँ, मैं इस मुल्क को भी जीत लूँ, उस मुल्क को भी जीत लूँ, उस मुल्क को भी जीत लूँ। तो फरमा रहे हैं कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी, कि मैं ज़मीन को, प्रॉपर्टी को, मुल्कों को जीतने के लिए नहीं आया हूँ, मैं प्रभु की दया मेर से जो हम सब के अंदर दिल हैं उनको जीतने के लिए आया हूँ, कि उनमें प्रभु का प्रेम भरने के लिए आया हूँ, ताकि उनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, उन्हें प्रभु से लगाव हो, वो प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, उस प्रभु के प्रेम के साथ जुड़कर वो अपने आप को सही रूप में जान पाए। वो फरमा रहे हैं दूसरे में अछूता एक तरीके हुक्मरानी लेके आया हूँ। तो फरमा रहे ये एक नया तरीका है हुकूमत करने का, एक वो हुकूमत होती है जिसमें राजा महाराजा एक देश को जीते हैं, फिर दूसरे देश को जीते हैं, फिर तीसरे देश, फिर उसमें अपना हुक्म चलाते हैं कि उनके लिहाज से सब कुछ हो। पर वो कह रहे हैं कि प्रभु जब संत महापुरुषों को यहाँ भेजते हैं तो वो एक और ही किस्म की हुकूमत करने के लिए भेजते हैं, और वो क्या है कि सबके दिल के अंदर पिता परमेश्वर के लिए प्रेम बढ़े, कि महापुरुषों के ज़रिए हम प्रभु की जानकारी पाते हैं, उनसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं, उनसे हमें लगाव हो जाता है, हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाता है और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि इस किस्म की ज़िंदगी हम सब की भी होनी चाहिए। हम ये ना सोचें कि हमारे घर कितने बड़े हैं, हमारे पास कारें कितनी हैं, हमारे पास बैंक बैलेंस कितने हैं, हमने कहाँ पर क्या इन्वेस्ट करा है, ये सब दुनिया की चीज़ें हैं। जब इंसान की मौत होती है इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। हमें देखें कि हमने किसी से प्रेम किया, किसी के मददगार हुए, किसी को फ़ायदा पहुंचाया, क्योंकि प्रेम का मतलब है किसी का ख्याल रखना, और वो तकलीफ़ में है उनका दुख दर्द दूर किया। वो तब होगा जब हम अपने अंदर पिता परमेश्वर के प्रेम को पाएंगे। तो प्रभु के प्रेम को जब इंसान पाता है तभी वो औरों से प्रेम कर सकता है, और प्रभु के प्रेम को पाने के लिए हम अभ्यास करते हैं। जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो हमें ये अनुभव हो जाता है कि पिता परमेश्वर हैं, हमारे अंग संग हैं, और उसके साथ साथ ये अनुभव भी होता है कि अगर हमारे भीतर प्रभु बस रहे हैं तो सबके भीतर प्रभु बस रहे हैं, तो कोई और नहीं, सब अपने ही हैं, और सबसे लगाव हो जाता है, सबसे प्रेम हो जाता है।
और ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए महापुरुष हमें बार 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 समझाते चले आए हैं कि हम ये ना सोचे कि हम यहाँ अकेले हैं, हम जाने कि हम सब एक हैं और उसी एक बड़े परिवार के हम सदस्य हैं। ये अनुभव इंसान को तब होता है जब वो अंदर की दुनिया में खुद बढ़ता है, जब वो प्रभु के दर्शन करता है, जब प्रभु से मिलता है, प्रभु से जुड़ता है। और वो तभी होता है जब ध्यान बाहर की दुनिया से हटा के हम अंदर की ओर करते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि महापुरुष इस धरती पे यही मिशन लेके आते हैं कि हम सबके दिलों में वो प्रभु के लिए प्रेम को जागृत करें। उन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो यही चाहते हैं कि हमारे अंदर पिता परमेश्वर के लिए प्रेम बढ़े। और ये जो नया साल शुरू हो रहा है, इसमें अगर हम सबके अंदर प्रभु के लिए प्रेम बढ़ जाएगा तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी हरी भरी हो जाएगी और खुशियों से हम भरपूर हो जाएंगे। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ये समझाया है कि हम सही मायने में हैं कौन। हम तो अपने आप को इंसान समझते हैं, हर एक इंसान को कोई ना कोई नाम दिया गया है, उसी नाम से लोग हमें पुकारते हैं, वही नाम हम सोचते हैं कि हम हैं जब वो नाम बुलाया जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि नाम है आदमी तो क्या, कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह है इश्क, सारी जमी है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि भारी रूप से मैं इंसान दिखाई देता हूं, मुझे इंसानी चोला मिला हुआ है, तो हर एक इंसान यही सोचता है कि मैं भी इंसान हूं। कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क, असलियत में मैं कौन हूं, एक रूह, एक आत्मा, एक सोल जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु जब भी आत्मा को यहाँ भेजता है अपने प्रेम से उसको भर के भेजता है। ये हमारी कमज़ोरी है कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते। ये हमारी कमज़ोरी है कि दुनिया में आके हम ध्यान बाहर की दुनिया में डालते हैं। ये हमारी कमज़ोरी है कि जिस एनवायरनमेंट में हम आते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, जहाँ पर भी जीते हैं उसी जगह का रंग हम पर चढ़ जाता है, उसी कल्चर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसी फेथ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी कमज़ोरी है। मगर जब पिता परमेश्वर हमें यहाँ भेजते हैं तो एक आत्मा को भेजते हैं इस शरीर को जान देने के लिए, और वो आत्मा प्रभु के प्रेम से भरपूर होती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क, कि हम जाने कि हमें कोई नाम दिया गया, उस नाम से हमें लोग पुकारते हैं, कहते उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्या नाम दिया गया उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असलियत में तो हम एक आत्मा हैं और वो आत्मा प्रभु के प्रेम से भरी हुई है, भरपूर है, खुशियों से भरपूर है, अनंत की अवस्था में रहती है, और वही ज़िंदगी में होना चाहिए। और हम ये ना सोचें कि फरमा रहे कि सारी ज़मीन है मेरा घर, कि हम लोग तो ये सोचते हैं ना मैं इस देश का वासी हूँ, ये मेरी कंट्री हो गई, या मैं स्टेट में रहता हूँ, मैं स्टेट का वासी हो गया। और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि सारी ज़मीन है मेरा घर, कि सारा ये जो देश है ये मेरे अपने ही हैं, और सारा जहाँ मेरा वतन, कि जो पूरा यूनिवर्स है वो भी मेरा अपना है। कि मैं ये नहीं कि मैं छोटे से एरिए का हूँ, इस एरिए का हूँ, इस एरिए का हूँ। वो हमें समझा रहे कि हम इंसान हैं जो दीवारें डाल देते हैं। हम कहते हैं ये मेरी जाति के लोग हैं, ये मेरे जैसे हैं, ये मेरे धर्म को फॉलो करते हैं, मेरे जैसे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, ये मेरे ग्रुप में आते हैं, ये तो बाहर के लोग हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ये हमने दीवारें बनाई हैं, ये अमीर हैं तो ये एक जगह रहते हैं, ये गरीब हैं एक जगह रहते हैं। ये इंसान है जिसने दीवारें बनाई हैं। क्योंकि हम असलियत में सोचेंगे तो हम क्या, हम एक आत्मा हैं, उस आत्मा के पास कोई रुकावट नहीं, वो आत्मा जो हमें जान दे रही है उसका हमें अनुभव करना है। अभी क्या है कि हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं और
इन इंद्रियों के जरिए सिर्फ जो बाहर की जड़ता की चीज़ें बनी उन्हीं का अनुभव करते हैं, तो हम अपने आप को भी शरीर समझना शुरू हो गए। लेकिन जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं, जब अपने आप को आत्मिक अवस्था में पाते हैं, तभी जाकर असलियत क्या है वो हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बताया कि हम जाने कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम ये दिमाग नहीं, कि हम एक आत्मा है और वो आत्मा प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो अनंत की अवस्था में है। उस अनंत की अवस्था को आने दो बाहर, उसको रोको नहीं, उस पर दीवारें मत बनाओ, उसको आने दो। तभी बार 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 हमें समझाया जाता है कि हम सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालें, अहिंसा की ज़िंदगी जिए, चाहे किसी को तकलीफ ना, सबके लिए चीज़ें आरामदायक हों, निष्काम सेवा भाव से जिए, औरों के मददगार हों, सच्चाई से जिए, ताकि झूठ की ज़िंदगी में तो धोखा फरेबी यही चीज़ें चलती रहेंगी, कि हम एक सच्चे इंसान बने, एक अच्छे इंसान बने, वो इंसान जो प्रभु चाहता है कि हम हों। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम एक रूह हैं, ये शरीर हमें दिया गया है ताकि हम इस धरती पर जो जीते हैं जी सकें, लेकिन हमें एक इस तरीके से जीना है जिसमें कि हम कोई रुकावट अपने ऊपर ना डालें। और एक जगह और फरमा रहे हैं, इसी को और खोल के समझा रहे हैं, संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जोशे मस्ती में बगल गिर हों बिछड़े हुए दिल, आज इंसान को इंसान बना दे सकी। एक प्रार्थना कर रहे हैं अपने सदगुरु से, पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लोग हैं जो यहाँ जी रहे हैं, ये सब बिछड़े हुए हैं, हर एक सोचता है कि मेरे लिए बेहतर हो, उसकी कोई खराबी होती है कोई फिक्र की बात नहीं, मेरे लिए चीज़ अच्छी होनी चाहिए। हर एक मैं करके जी रहा है और इस करके वो बिछड़ गए हैं। तो फरमा रहे हैं कि जोशे मस्ती में, कि जो प्रभु के प्रेम की मस्ती है उसका जोश जो है उसमें इंसान को जीना चाहिए। हे प्रभु, आप इतनी दया मेहर करो कि ये इंसान जो भटक गए हैं, जो दूर दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो रहे हैं, बिछड़े जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो प्रेम है उसका वो अनुभव नहीं कर पा रहे, वो बाहर की दुनिया जी रहे हैं। तो फरमा रहे हैं कि जोशे मस्ती में बगल गिर हों बिछड़े हुए दिन, कि इनके अंदर का जो जोश है वो इतना ज़्यादा हो कि ये एक दूसरे के गले मिले, कि एक दूसरे से मिल के जिए, कि एक दूसरे के मददगार हों, ये जाने कि ये सब एक ही हैं। ये प्रार्थना संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने सदगुरु और पिता परमेश्वर के चरण कमलों में कर रहे हैं कि जोशे मस्ती में बगल गिर का मतलब होता है अम्ब्रेस करना, गले मिलना, कि इनके अंदर जो आपके प्रेम की मस्ती है, उस मस्ती में जो जोश इंसान के अंदर होता है, जब इंसान को अनुभव होता है कि मैं पिता परमेश्वर के अंग संग हूँ, प्रभु मेरे भीतर हैं, तो कोई फिक्र नहीं रहता, कोई डर नहीं, इंसान बड़े खुल के जीता है, खुशी से जीता है, क्योंकि उसे मालूम है कि प्रभु उसके साथ हैं, उससे सब चीज़ें बेहतर होंगी, कोई चीज़ ख़राब हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ पर प्रभु के घर में तो खुशियाँ खुशियाँ, आनंद ही आनंद है। तो फिर मारे कि जब इंसान को अनुभव होगा कि हे प्रभु आप उनके साथ हैं, तो उनके अंदर आपके प्रेम की मस्ती होगी, और उस मस्ती में क्या होगा, जो उनके दिल में जो भी एक दूसरे के लिए करावट आ गई है वो सब मिट जाएगा, वो हट जाएगा, उनकी ज़िंदगी आपके प्रेम से भरपूर हो जाएगी, और फिर उनको सही इंसान की ज़िंदगी कैसी है वो समझ में आनी शुरू हो जाएगी, कि आज इंसान को इंसान बना दे साकी, कि भारी रूप से तो इंसान है लेकिन सच्चे इंसान कौन है, वो जो असलियत को जानता है, वो जो जानता है कि वो शरीर नहीं वो आत्मा है, वो जो सद्गुणों से भरा हुआ है, कि ऐसा इंसान बनना चाहिए, हर एक को ऐसा अनुभव होना चाहिए कि असलियत में वो क्या है। तो जैसे ही नया साल शुरू हो रहा है, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम जाने कि हम प्रभु की अंश हैं, हम जाने कि सही रूप में हम एक आत्मा हैं, हम जाने कि वो आत्मा प्रभु के प्रेम से भरपूर है, और हम ज़िंदगी ऐसे जिए ताकि प्रभु का प्रेम हमसे औरों तक जाता रहे।
यही जिंदगी जीने का मकसद है, और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हम अभ्यास करते हैं।